किए गए हैं। बड़ी तीव्रतम चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। आपने कहा हमें ममता नहीं है, हमें ममता नहीं है। और जब हमने चिंतन किया तो हमें ये लगा कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको ममता ना हो। तो आचार्यों ने प्रमाणित किया है, क्या किया है, बोले जे ही ते कछु निज स्वार्थ हो जेहिते कछु निज स्वार्थ होई पत्ते ही पर ममता कर सब। अरे सीधी सी बात है, घर के बाहर जब पड़ोस में कोई बालक रुदन करता है, रोता है, तो माताएं उस ध्वनि को नहीं सुनती हैं। और जब अपना बालक रोता है तो आवाज को सुनकर वो जान जाती है ममता नहीं तो और है क्या। और ये 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर प्रवीण जी भदौरिया प्रवीण परिवार से भगवान परशुराम के चरणों में बार बार साधवाओ। धन्यवाद। माताएं अपने बालक की ध्वनि को सुनकर पहचान जाती हैं, क्यों, क्योंकि उस ध्वनि से उनको ममता है। और कलेक्टर सिंह भदौरिया जी डेरा होने वाले परिवार से इन दोनों पात्रों के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। क्यों, जिस समय धनुष टूटा तो इसके पहले एक ध्वनि हुई, धनुष नहीं टूट रहा था तो एक ध्वनि इसके पहले हुई। लखने शको बचने जे बोले तो टगमगान मही दीकज ढोले। लेकिन इस घर के पर स्वामी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्योंकि इससे परस्वामी का कोई संबंध नहीं है। दीकज ढोल गए, हाथी कांप गए, पत्थरी डोल गई, लेकिन परस्वामी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर धनुष टूट गया पर एक ध्वनि हुई और इससे भी विशाल रही है भुवन भारी। बिल्कुल प्रमाण से चलेंगे महाराज। जय जय पानी और धनुष भंग धुने जात ना, इससे भी विशाल है। लेकिन इसको भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्योंकि इस ध्वनि से भी आपका कोई संबंध नहीं है। आपने सुना किस ध्वनि को है, ते ही आवे सारे सुने और शिवे खाने भंगा तो आए हु भगे कुल कमल। क्यों, क्योंकि उससे आपको लगाव है, ममता है, किसने है, इसलिए उस ध्वनि को सुना है। जब अपना बालक रोता है तो माता सुन के पहचान जाती है, और जब पड़ोसी का बालक रोता है तो उस पर माताएं ध्यान नहीं देती है। तो महाराज आपको ममता है। आपने कहा बालक छोटा होता है, अपराध करते ठीक है, लड़काई की उम्र 5 वर्ष बताइए। बालक छोटा होता है, अपराध कर दे ठीक है, लेकिन बालक बड़ा हो जाए और फिर अपराध करे तो अनुचित है। और आचार्य भी कहते हैं कि करी गई देह से करी तो धाता, करी बहु के से करी बहु धाता, पता वही बालक जब बड़ा हो जाता है और उद्यमता करता है तो माता नाराज हो जाती है। महाराज हमने लड़काई में धनुष को तोड़ा है, ठीक है, बालक थे, अज्ञान थे, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं,
लड़का छोटा है, माता के साथ अपराध करे ठीक है, लड़का इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा नन है, फिर माता का शीश काटे, परमात्मा मालिक है भाई, बालक छोटा है, केसों को पकड़ के खींचता है, बालक है, ज्ञान है, लेकिन बालक जानकार हो जाए, जिनके मकान स्वयं के कांच के होते दूसरों को पंखों नहीं चलाते, हमने अपराध किया, लड़काई ने किया है, बालक थे, लेकिन आप तो जानकार है, अरे माता का स्थान क्या है, आपने एक बार अपनी माता से पूछा होता, मैं तुम्हारा शिरोच्छेदन करने आया हूँ करूँ या ना, आपने नहीं पूछा, जबकि सिद्धांत ये कहता है सर्व तीर्थ मैं माता सर्व जो मैं पिता, सारे तीर्थों में स्थान माँ का हुआ करता है, पिता से 1000 गुना ऊंचा दर्जा माँ का बताया गया है, और ऐसी माँ का आपने स्वयं शिरोच्छेदन किया है महाराज, तो आपने इस पर विचार नहीं किया है। एक बार बहुत अच्छी आई, बोले जो गुरु को मारे वो संत कहावे, ये बहुत अच्छी बात लगी, बोले हम आए संत, एक और लक्षण संत के है तुम्हारे अंदर, तुमने संत की परिभाषा पढ़ी है कभी उठा के, केवल कहने से थोड़े ही संत हो जाओगे, संत का स्वरूप क्या है, संत का दर्शन क्या है, तो हमें मनीषियों ने बताया है क्या है, परे उपकार वचन मन काया और संत सहेज स्वभाव ठग, ऐसा स्वभाव होना चाहिए संत सहेज, और ये सहेज स्वभाव है, है? बता रहे हैं वो संत है, ये संत का स्वभाव यही होता है, संत होता कहता है संत हटे जसे निर्मल पानी पाने घाट मनोहर, संत का हृदय निर्मल होता है, संत दूसरे के हित में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, संत सहाय दुख परहित लागी पर दुख है तू संत, जो संत होते हैं वो सरल होते हैं, ना हर्ष होता है ना विषाद होता है, ना सुख होता है ना दुख होता है, ना जय होती है ना पराजय होती है, लेकिन आप संत कहलाने योग्य नहीं है, आपका स्वभाव कैसा है, आरोने नयने बुद्धि कुटिल चित्तवत मक्खन सको, ये स्थिति है आपकी, तुम्हारा ये संत का दर्शन नहीं है, जो संत हुआ करते हैं सदाचारी हुआ करते हैं निर्मल हुआ करते हैं सरल हुआ करते हैं, एक बात और कही, कहा व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, कर्म चाहे जैसा करे, व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा हो, कर्म चाहे जैसा करे, ना व्यक्ति का कर्म अच्छा हो उद्देश्य चाहे जैसा हो, व्यक्ति का कर्म अच्छा हो उद्देश्य चाहे जैसा हो, जैसे एक व्यक्ति का उद्देश्य है कि ये बालिका इस संसार में यश की भागीदार बने, कीर्तिमान बने, यशमान बने, व्यक्ति का उद्देश्य है, लेकिन उसी व्यक्ति ने उस बालिका के साथ व्यवहार घृत किया है, समाज के लोग विद्वान समझे, उद्देश्य है कि ये यश का पात्र बने, लेकिन उस व्यक्तित्व ने उसके साथ व्यवहार बहुत घृत किया है, क्या समाज में उस बालिका को सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्य उसके साथ अनुचित किया गया है, उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन जो कर्म किया गया है वो बहुत गलत किया गया है, एक व्यक्ति का उद्देश्य है, किसान का उद्देश्य है इस बार
अनाज बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, उद्देश्य है कि बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, लेकिन उसी किसान ने कृषि के साथ व्यवहार यानी कर्म अच्छे नहीं किए हैं, समय से कोई कार्य नहीं किया है, क्या अनाज अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा? नहीं होगा। आगे बजोरिया 20 पत्र बताए भगवान परशुराम और लक्ष्मण लाल के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। अनाज अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होगा और उद्देश्य ये है कि क्या कि अनाज बिल्कुल पैदा ना हो, समझना, अनाज बिल्कुल पैदा ना हो, किसान का उद्देश्य है कि अपनी बार कृषि में अनाज बिल्कुल पैदा ना हो, लेकिन जो कृषि के साथ कार्य किए गए हैं वो बहुत उत्तम तरीके से किए गए हैं, आधुनिक तरीके से, नियमानुसार समय से जल का प्रयोग, समय से दवाइयों का प्रयोग, सारी औषधियों का प्रयोग समय से किया गया है, क्या अनाज कम मात्रा में होगा? अनाज अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि कर्म अच्छा है, उद्देश्य चाहे जैसा हो, व्यक्ति का कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म के आधार पर उद्देश्य बन जाता है, व्यक्ति जीवन भर साधना करे, जीवन भर साधना करे, उद्देश्य ये हो कि परमात्मा की प्राप्ति ना हो और साधना करता है उसको अवश्य हो, जैसे एक पात्र ने किया, उसका कर्म अच्छा है, उद्देश्य नहीं जानता है, ना तो सकल में साधन ही ना, मैं सारे साधनों से रहित तो हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सारे साधन रहित तो है, लेकिन उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई और एक व्यक्ति ने जीवन भर माला घुमाई, बोले जन्म मुनि और ये तने करा नहीं
रक्षा नहीं कर पाएंगे जो आपने कहा है अटल सौभाग्य मती हो आशीष वीर और सखी हर सानी ये जो आशीष दिया गया है ये मिथ्या हो रघुवीर सिंह भदौरिया जो कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं भगवान उनका कल्याण करे। तोड़ने वाले को आपने कहा छिपा लिया है समाज ने इसलिए राजा मारे जाएंगे। तोड़ने वाले को समाज ने छिपा लिया है इसलिए राजा मारे जाएंगे। अब ये कहते तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ता है तुम्हें श्रवण दोष उल्लू को दिन में दिखे नहीं को दिन में दिखे नहीं तो भास्कर का इसमें दोष नहीं और गजे की सरिता गंभीर कर दे तो सरिता का इसमें दीपक से पथिंगा सभी लोग जान गए और जब सभी जान गए आपने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि सभी ने किया है विचार आपने किया नहीं है विचार और बिना विचारे जे करें ते पाछे इसमें समाज का दोष नहीं है महाराज ये स्वयं का दोष है इसलिए समाज दोषी नहीं है कहेगा है तो माता जान जाती है और परशुराम जी को है ममता। घर का बच्चा रो रहा है तो माँ जान जाती है मेरा बच्चा रो रहा है पड़ोसी का बच्चा रो रहा है कि हमारे घर का बच्चा था अजलो ये हमारे घर का बच्चा था तो हम जान गए कैसा बोलते हो ये घर का बच्चा नहीं ये सारे समाज का बच्चा था संसार का संसार का रक्षक था और संसार का जो रक्षक है वो हमारे घर का नहीं वो सारे संसार का होता बुद्धौ कुटुंबकम ये सिद्धांत है। जब त्रिपुरा फिर के पात्रों से विस्तृत प्रकंपित हो रहा था हमारा घर भी है हमारा घर भी है लेकिन जो तुम हमारे घर की बात कर रहे हो करे ममता और बहुत जोर शोर से करे ममता है हमारे घर की बात कैसे है ये वो भगवान शंकर का आयुध था भगवान शंकर का अपने गुरु के प्रति शिष्य को श्रद्धा होती है ना कि ममता गुरु के प्रति जो भगवान है साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म जो ब्रह्म है उसके प्रति श्रद्धा होती है गुरु की वस्तुओं के प्रति श्रद्धा होती है शिष्य को उस श्रद्धा को तुम ममता कह रहे हो
ना ममता तो परमात्मा को भी है, ममता तो परमात्मा को भी है। देखे प्रमाण, ममता तो परमात्मा को भी है। जैसे जाए कृपा निधि दूरी सेवा का पर ममता रूरी और बंदा हूं तो डर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। ममता संसारिक जो है वो दस स्थानों पर ममता बताई गई है। दस स्थान है ममता के, कौन कौन से दस स्थान है? जननी ही जन को पंखु सो के जीवन में कभी ममता नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा करते हो, लंबा चौड़ा कर देंगे तो कहीं ना कहीं से भागने का रास्ता मिल जाएगा। ये तो जानते नहीं कौन खिलाड़ी है तुम्हारे सामने। हाँ, हम वही घूम के लाएंगे तुम्हें और उसी चक्रव्यूह में कस देंगे कि तुम निकल नहीं पाओगे, कहीं से तुम्हें मार्ग नहीं मिलेगा, कहीं से मार्ग नहीं मिलेगा बेटा बचने का। हाँ, लंबा चौड़ा बोलने से बच के निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। इतना लंबा बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? परशुराम ने आशीर्वाद दिया है, परशुराम ने जानकी को आशीर्वाद दिया है, अचल सौभाग्यवती हो आज से तीन सखी हरसानी आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देना ममता का काम है, प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद है। जो प्रणाम करेगा उसे आशीर्वाद देना ममता का काम है। और ममता जैसे एक लक्षण नहीं है, कहां से पढ़ के आए, कहां से पढ़ के आए ममता जैसे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। क्यों क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे मेरे लक्षण? देखे कैसे लक्षण है हमारे। जय स्वभाव चुख भरे है जानी, ये प्रश्न भाव जय स्वभाव चुख भरे है तह जानी, सो जाने जानो आए खुटानी। तुम्हें अपनी मृत्यु नजर आ रही थी, उसमें हारा कर दो उसने I'm going to go.
सब कहे निंदा ये घर करही के चमगादर हो अब करही क्या अब संकर देखे उधर जाना सती जो की संत को कोई देखकर आज तक डरता है?
संत जहां जाते हैं उन्हें देखकर लोग प्रसन्न होते हैं कि कोई डरता है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, तभी तो यहां लोग तुमसे डरते हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक है। हम नहीं डरते, समाज डरती है। बोले सुन मुनि नाग, यही बात सुनना चाहिए। बोले सुन मुनि नाग और नगर संत जो होते हैं वो दूसरे को दुख को दूर करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, लेकिन तुम्हारे आगमन से लोग दुखी है। मने पछताते असी महातारी, बोले मने पछताते असी महातारी, तुम्हारे आगमन से बात बिगड़ रही है। और जिस समय हमारा आगमन गुरु के साथ में हुआ तो लोगों ने कहा था कि जगत पिता रघु अपत ही बिचारी, तो भरी लोचने छवि ले निहारी। हमारे आगमन का प्रभाव यह है, हम जहां रहते हैं वहां चबते अमुखे अकीने तहा पासा, तो सुखिये भेद मुनि पीती पासा। हम त्रास को दूर करते हैं और तुम्हारे आने से लोग प्रसिद्ध है। बोले एक बहुत गलत लक्षण ने कहा है कि उल्लू को दिन में दिखे नहीं और हमको दिखाई पड़ता है। महाराज ने आपको उल्लू क्यों कहा था? हम जानते हैं इन प्रकार सोच भी सकते हैं। हमने आपके लिए उल्लू शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने एक उदाहरण दिया था कि एक उल्लू नाम का पक्षी है जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य के पास प्रकाश नहीं है, वो प्रकाशमय है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता है। समाज के लोगों ने बताया है लेकिन परशुराम ने नहीं जाना, संसार में सभी जान गए। भरे घुमन धनी घोर कठोर गौरवी बाजू कजमा रग चले जान जाते। विचार नहीं किया है, अपराधी समाज है, ये तुम्हारा दोष है। बोले हमें ममता नहीं है। अच्छा, तुम्हें ममता नहीं है। चौपाइया बड़ी अच्छी पढ़ दी, जो मतलब की होती वही आती, इसके ऊपर नीचे नहीं कुछ पढ़ना आता है। केवल इतना ही लिखा है जितना पढ़ा है तुमने। ये भी तो लिखा है कि रस रस सूखे, ये रस रस सूखे और सरित सरे पानी, तो ममता त्याग करे जिमा ज्ञानी। और परशुराम ने ज्ञानी
प्रतियोगिता में गया, 18 पहुंचा, बोली ये हम जानते कि हार जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। बोले हम जानते हैं कि इससे हम जीत नहीं पाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। और जो जान बूझ के कार्य किया जाता है उसमें निश्चय ही व्यक्ति का पतन है। जान बूझ जे संग्रह जी जानती थी और सती जी को मना किया। जब दुखे रोने दुखे नाना और सब एक कठिन जाते आवे। वो जानते थे कि न जाओ, मना किया। कई राखा बहुत चपन विध रही न दक्ष कुमारी, बहुत प्रयास किया रोका और जब नहीं मानी समस्या का समाधान हो जाए। भाई समस्या लोगों पर क्यों? आप ये नहीं जानते किसने तोड़ा, ये तो हम जमाएंगे। तो क्या कोई नहीं उसको जानता है? उसको तो भगवान शंकर भी नहीं जानते। जग देखने तुम पे खने हारे और बिहारी शंभु न चाहो और देव न जाने मरण तुम्हारा तो और सके को जान। और यह मरम हमने भी नहीं जाना, यह मरम लक्ष्मण हूं न जाना। और जाओ कुछ चरित्र रचा, जानता कौन है जिसको वो जलाते हैं? और एक व्यक्ति को जला दिया कि कैसे जानते हैं
भास्कर को देखता है।